What's up guys? Good morning. रात को बारिश हुई और मौसम ठंडा हो गया, इसका मतलब कि सर्दियों की शुरुआत हो गई। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना। सर्दी की स्टार्टिंग तो हो गई है, लेकिन पोल्यूशन कम हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। और आज नहा धो के आई हूँ मैं किचन में, और एज ऑलवेज ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। और ब्रेकफास्ट में बनाने लगी हूँ ओट्स के चिल्ले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा हेल्दी खाना बनाया जाए। साथ साथ कढ़ी भी बन रही है, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं और लंच की तैयारी साथ हो गई। देखो, नॉर्मली तो हम लोग मूंग दाल का चिल्ला बनाते हैं या बेसन का चिल्ला बनाते हैं। आज मैंने अरहर की दाल साथ में ओट्स डाल दिए प्लेन वाले, और गार्निश कर रही हूँ देखो पनीर के साथ, एकदम सुपर डिलीशियस और हेल्दी। कल कपड़े धोए थे, लेकिन कल बारिश हो रही थी तो सूखे नहीं। आज थोड़ी सी धूप निकली है, तो मैंने कहा उनको थोड़ा धूप लगवा लेते हैं, क्योंकि शेड के नीचे ही रख दिए थे। अपना तो यही सहारा है, शेड इसके नीचे रख देते हैं, क्योंकि कौन उतार के लेके जाए नीचे और फिर सुबह डाले, तो इसलिए शेड के नीचे ही रख देती हूँ। अब धूप निकली है तो इनको खींच के बाहर कर देते हैं। आज तो सूख ही जाएंगे, थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और थोड़ा सा पुदीना लेने आई हूँ मैं, क्योंकि डिटॉक्स वाटर बनाना है। और ये पुदीना देखो कितना अच्छा आया हुआ है, कि सर्दी है ना, तो सर्दी में वैसे तो पानी पिया नहीं जाता, और डिटॉक्स वाटर बना के रख देती हूँ तो वो अपने आप से ऑटोमेटिकली दिल करता है पीने का। ये देखो दो बॉटल बना के रख दी, नींबू पुदीना अदरक और खीरा, और ये एप्पल और पुदीना। ऑलराइट गाइस, कैसे हो? ओ भाई, और भाई मैंने ना अभी पता चला है मुझे, इस साल ना इंडिया में 35 लाख शादियां हैं, 35 लाख शादियां। तो मैंने सोचा 35 लाख एक कर दी जाए मम्मी, फिर कब करवा रहे हो एक और? मैं तो कह रही हूँ 35 लाख 2। मैं तो कह रही हूँ 35 लाख 2 कर लो। मम्मी फंस गई, 35 लाख शादियां हैं, लग रहा एक और कर देनी चाहिए आपकी। नहीं, दो और कर लेनी चाहिए, एक मेरी एक उसकी। ऑब्वियसली, जो एक की बात करो मैं मम्मी की नहीं, मम्मी का पापा के साथ खुश है, ऐसा बोलना पड़ता है। बट 35 लाख एक शादी करने के लिए, हम एक बंदा है हमारे यहाँ पर जो हमेशा बाथरूम में रहता है, नोनू भाई बाहर आ जाओ। पूछ क्यों बाहर आना है? तेरी शादी करानी है। यही तो है, भाई को उठाएगा उसकी शादी करेंगे। तो आज हमने फैसला करा, आज हम इस व्लॉग में नोनू की शादी करा के रहेंगे। मैंने नोनू के लिए लड़की पसंद कर लिया, देखते हैं उसको पसंद आती नहीं आती। लेट हिम कम आउटसाइड फाइनली। नोनू तेरे को पता है ना हम कितना इंतजार कर रहे हैं इस चीज का, नहीं कि कब तेरा ब्याह होवे। नहीं, क्यों क्यों नहीं? मेरी मर्जी। तेरे को पता नहीं है भाई, इस वक्त 35 लाख शादियां हैं, पर लोग इंतजार कर रहे हैं वो एक शादी का, और वो लोग पूछ कौन है जो इंतजार कर रहे हैं? तुम, ये मेरी माता और तुम कैमरा के पीछे। मेरे को तो तू शड़ा ही पसंद है। मुझे तो तू शड़ा ही पसंद है, और मेनू तो तू कड़ा ही नहीं पसंद। अब तू शादी कर रहा है या नहीं, जल्दी बता। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद करी है, करा दे। लड़की दिखाऊं? दिखा। पक्का बोल? दिखा। पक्का? हाँ दिखाना है 100%। अबे दिखा तो सही। दिखा दूं? गाइस मैंने निश्चय के लिए एक लड़की पसंद करी है, वो लड़की है ये। शर्मा आ गया। नहीं, क्यों नहीं? अब क्रश चेंज हो गई है। कौन है न्यू क्रश? गाइस मोमीना मुस्तहसिन को मना करने वाला ये लड़का कौन है तेरे? अबे मैं कौन होता उसको मना करने वाला? अच्छा, मतलब जो भी है अब न्यू क्रश। कौन है न्यू क्रश? उसकी भी शादी होगी। कौन? कियारा। अबे तू जा, इसको मिलने ही कोई नहीं। कियारा ज्वेनी वेनी। मम्मी तुम्हारे लड़के से नहीं हो पाएगा, कैंसल शादी। तुम्हारा इस साल शादी में डांस करने के प्रोग्राम कैंसल। गई भैंस पानी में, मैं तो खाब सजा लिए थे। अब खाब को डालो पानी में। खाना हमारा डन, किचन की लाइट भी ऑफ। पता क्यों? मैंने खाना खा लिया और मलन साहब है नहीं। देखो रूम खाली, मलन साहब गए अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने, और इधर निश्चय खा रहे, और ये भाई साहब घूमने फिरने जा रहे हैं।
कौन सा स्टाइल है मुझे रिकॉर्ड करने का? आप होते ही इसी स्टाइल में बैठे तो क्या करूं मैं? क्या बुराई है इसमें? ओह सब बुराई है इसमें। जो रेडी आप। मैं एक चीज बोलूं, इससे पहले कि मेरा टूटे भरम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। चल मूव लगा। आजकल नोनू देख रहे हो आप कितना हेल्दी हेल्दी खाने लगा है। और अभी देखो ऊपर जाएगा, कंप्यूटर ऑन करेगा, 2 घंटे खेलेगा, उसके कहेगा मैगडी खा लेता हूँ। भाई मैगडी शैगडी, भाई पूरी पूरी रात गेम में खेले, उसके बाद सुबह मम्मी जाए तो कभी बर्गर किंग के छिलके, कभी मैगडी के, कभी डोमिनोज के, सब्वे वब्वे नहीं खाता भाई, हेल्दी चीजें अवॉइड करता है। और मम्मी के सामने देखो कैसा शरीफ बच्चा बन के खा रहा है सब्जियां। तो तू कौन है ये बता, यहाँ पे रोज रात को कभी कल कुछ, का कभी कुछ। कल का मत बताओ सबको। देखो कल, चलो मैं ही बता देता हूँ सबको क्या ही, क्या ही छुपाना। तो कल मैं पूरा दिन हेल्दी खाया, जिम गया, बैडमिंटन खेला, फुल बॉडी बनाया, ठीक है। रात को गलती से मुझे एक बॉनविल दिख गई, रम एंड रेजिन फ्लेवर की, और वो सुन रहे हो कौन से फ्लेवर की, बड़ी स्वाद थी वो बॉनविल, और वो बची नहीं फिर मेरे से, पूरी खा गया। शायद एक पीस बचा है, वो नोनू खा लेगा। सब हिसाब रेडी है मेरे को, अभी देख रहे हो अंदर क्या क्या पड़ा है, हाइड एंड सीक, और बाकी मैंने उठा लिए। तो बॉनविल का ये जो बचा कुचा पीस है वो भी मैं खाई देता हूँ। मम्मी कुछ बना दे तो खाना नहीं, नहीं नहीं हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है। हेल्दी तो खा रहा है, अभी तो हेल्दी खा रहा है, रात के 12 बजे सब भूल जाते हैं। हमारी डाइटिंग चलती है मम्मी 12 बजे तक, कोई 12 से 4 फिर साफ नहीं है। 12 से 4 जंक फूड, उसके बाद फिर से डाइटिंग। क्या कर रही हो? कपड़े निकाल के दे रही हूँ उसको, शादी पे जाना है उसने। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त की सिस्टर की मैरिज है। कब? आज शगुन है, हमें भी इनविटेशन आया, चलिए तू हम भी चलते हैं। चल क्यों? क्योंकि इनविटेशन आया है ना हमें। किस लिए? नाचने के लिए। वो क्यों? हमारी मर्जी, हम नाचें। वैसे कैसे? हम नाचें, सॉरी फॉर माय हेयर, हम नाचें। ओके हम नाच रहे हैं, नाचो। नाचने का मौका ही नहीं देता तू, चलता ही नहीं है। ओ थैंक गॉड, मुझे लगा फिर से नाचने का मौका ही नहीं देता तू, शादी कर ले। एक्चुअली एक चीज थी जो मैं काफी दिनों से मिस कर रहा था, और वो है हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टर इवनिंग। मेरी माँ क्या बोल रहा है, बोली नहीं, क्या करनी है? मैं ना थोड़ा सा थोड़ा सा बस थोड़ा सा थोड़ा सा बस क्या हो गया? मैं ना जो ऊपर मेरी ऊपर, चलो फिर बताते हैं, रिप्ले करके दिखाऊंगा ना क्या हुआ था। नहीं नहीं तू ऐसी बता, नहीं रिप्ले करके दिखाऊंगा पूरा सीन। चलो 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 आ जाओ, अभी लग लुक जाएगी, छोड़। अरे लग चुकी है, बता रहा हूँ अब तो कैसे लगी थी। नहीं तो ऐसी बता दे, रिप्ले करेंगे, मम्मी आओ ना, देखो बातों से ज्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मजा आएगा। चलो बताओ दोबारा कहीं लग जाए फिर से ज्यादा। तो मैं ऐसे वॉक कर रहा था, ठीक है, फिर मैं ऐसे वॉक करते करते ऐसे आया, फिर मैं इधर आ गया, आ जाओ अब भी आओ, आओ आओ आगे आओ, फिर मैं ऐसा ये देखा, फिर इसको देख के मेरे को लगा कि क्या मैं इतना लंबा हूँ कि मैं ऐसा करके अभी मैं साफ करना था, नहीं नहीं कि मेरी हाइट कितनी है, मैं कितनी ऊंची जंप मार सकता हूँ। तो फिर मैं ऐसा करके चेक कर रहा था, ऐसा करके जूम करके, ठीक है। तो मैंने एक बार किया, फिर मैंने दूसरी बार किया, तो फिर मैं यहाँ तक आया, फिर मैंने कहा अब तो मैं बहुत ज्यादा ऊंची जंप मारूंगा, तो मैं पीछे से आया और यूं करके भड़ाम करके बहुत ऊंची जंप मारी, तो मैं ऐसे तक गया, और जब मैं नीचे आया ना तो वो पैर ऐसा हो गया, और फिर मेरा पूरा पैर ऐसा हो गया, और फिर पटक का पटक, और फिर उसके बाद मैं तो ओ मम्मी, और फिर भी दोबारा करके दिखा रहा है, बता। अरे अब तो फिर भी कम है, उस वक्त से जब लगी पटाखा बजा मैं का गया, फिर मैंने पता कैसे ठीक करा, मैं डॉक्टर, मैंने वो मूवी देखी थी डिशुम,
उसमें वो एक्टर जो होता है उसका कंधा टूट जाता है तो वो ऐसे ऐसे दीवार में कंधा मारता है तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा वाओ मूवीज में सिखाया, मूवीज में सिखाया कैसे ठीक होता है। मैंने भी यूं करके पैर ऐसा चार बार मारा जमीन पे, इट वर्क्स। तो अब मैंने कहा बॉलिनी वगैरह लगा लेते हैं थोड़ा सा, बस ऐसे हुआ था। देखा पूरा का पूरा मैंने सीन रिप्ले कर दिया। भाई साहब इतना टाइम तो मैं भी नहीं लगाती अब। क्या करा मैंने, कितना टाइम लगा दिया था। इकरार दिया, कितनी देर लगाई आपने? मेरे को आ गया आधे घंटे तो बाल सेट करने में लग गया आपके। ओ देखो झूठे। ये सब मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तीन स्टाइल बनाए, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, नहीं ये कब हुआ, ये झूठ बना रहे हैं, इनको कंटेंट चाहिए। मैं बेचारा जो बाल बना देते हैं इकरार में मान जाता हूँ, मेरे से खुद नहीं बनते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वो देखो इकरार भैया का हाथ भी नहीं पहुंच रहा इतने ऊपर, कह रहे हैं तो माला बहुत ऊपर है। बेड पे चढ़ जाऊं? नहीं मैं नीचे बैठ जाता हूं। ठीक लग रहा है? ओके गाइस सही लग रहा हूं क्या? मैन इन ब्लैक तो वो अब गाना बजेगा क्या? वो अर्जुन वैली ने हाथ जोड़ के गंडासी मारी। पतला लग रहा है वैसे जो भी को। पतला लग रहा हूं क्या? सच में इसमें बहुत पतला लग रहा है आज। लगता है फिर सुबह उठ के ही सूट पहन लेना चाहिए। पतला एटलीस्ट पतला तो लगूंगा, रोज सुबह मैं उठूंगा मैं सूट पहन लूंगा क्योंकि एटलीस्ट फिटिंग का पतला तो मैं। भाई भाई चलो पतला बोल दिया, कुछ खा पी के लाऊंगा, अच्छे से खाऊंगा शादी में। खाना जो मिलेगा सब खा लूंगा। गाइस आई लव यू। अगर आप जा रहे हैं तो मैं दरवाजा बंद कर लूं। लेंस ढूंढ के दो मुझे। बताओ अब लेंस मैं ढूंढ के दूंगी। यस ये बिग बॉस का घर कोई है कि हम एक जगह सिस्टमैटिकली सामान रखे? ये तो अपना घर है, कहीं भी रखे सामान। तो चलो जी अभिषेक भी चला गया है, मलन साहब भी गए हुए हैं और निश्चय ऊपर चला गया, तो मैं लगी हूँ सोने। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट बाय। इश्क चचना।